अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट वकार हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉप विद वकार। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले तमाम लेटेस्ट और नेक्स्ट अच्छी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आज हम मौजूद हैं लाहौर की मशहूर मार्केट ब्रंथ रोड अराई ब्रदर्स, यहाँ के शॉप के ऑनर से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आतिफ है। शॉप का नेम जो है अराई ब्रदर्स है और ब्रंथ रोड पे ये शॉप नंबर क्या है आपका? शॉप नंबर 82/6 निस्टा रोड ब्रंथ रोड लाहौर है। ब्रंथ रोड लाहौर। अच्छा, आपके पास कौन कौन तरह की मोटर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे पास? जो डोंकी पंप है ये पैरेलल पंप है। ये कौन सा पंप है? ये पैरेलल पंप है। पैरेलल पंप पानी की शिफ्टिंग और पानी का प्रेशर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है। इसके बाद हमारे पास वर्म पंप है, वैक्यूम पंप है। जिस तरह ये हमारे पास जो है ना शराब पंप का लगा हुआ वैक्यूम पंप है जी। ठीक है, ये भी आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। शहजाद पंप जी, शहजाद पंप है। और इसके बाद हमारे पास ये वर्म पंप है, ये डोंकी पंप का तोड़ है। ठीक है, नॉर्मली आजकल लोग जो बिजली से तंग आते हैं बिलों से उसके लिए इसको यूज़ कर रहे हैं डोंकी पंप की जगह पे। ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है। इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है। और ये क्या चीज़ है? हमारे पास एयर कंप्रेसर है। एयर कंप्रेसर जी, ये प्रेशर के लिए हो गया, टायर पंचर के लिए हो गया जी, ये यूज़ होते हैं। और ये हमारे पास है इंजन वाले पंप है, जहाँ पर बिजली नहीं होती। ठीक है, वहाँ पर इस पंप को यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन के लिए इसमें बिजली की जरूरत नहीं होती, पेट्रोल डाल के इसको स्टार्ट करके, मतलब इसका इंजन इसका इसके अंदर ही है जी। मतलब जैसे कोई कंस्ट्रक्शन न्यू साइट्स पे हो रही है, साइट्स में हो रही है जहाँ पर मापदा अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, ये मापदा नहीं है। ये सब भी यही है? ये सब भी चार मॉडल हैं हमारे पास। कौन कौन से मॉडल है इसमें? ठीक है, ये सिंगल एम्पेलर में है जी। ये सिंगल एम्पेलर 6.5 पावर इंजन के साथ है जी। ये डबल एम्पेलर 7.5 पावर इंजन के साथ जी। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास ये वॉशिंग पंप है जी। ठीक है, ये एग्रीकल्चर में भी यूज होता है और वॉशिंग के लिए भी यूज होता है जी। इसके बाद हमारे पास ये एलपीजी पंप है, दिखाए नेक्स्ट। ये एलपीजी सिलेंडर शॉप्स होती है जी, एलपीजी सिलेंडर। अच्छा, ये उसमें यूज होता है, एक सिलेंडर से दूसरे में कन्वर्ट करता है गैस को। और ये गोल्डन पंप्स की प्रोडक्ट्स है, गोल्डन पंप्स की, गोल्डन पंप्स की बूस्टर पंप है गोल्डन का। कौन सा पंप है ये? ये बूस्टर पंप है, बूस्टर। इसका क्या पर्पस है? इसका काम ये होता है कि ये जो है ना प्रेशर बूस्ट करता है, जो घरों में नलकों में प्रेशर कम आ रहा होता है ना, पानी का प्रेशर। हाँ जी, पानी के प्रेशर को बूस्ट करता है ये। और ये साथ इसके बाद ये सेल्फ प्राइमिंग है। ठीक है, ये भी डोंगी पंप का तोड़ है, जहाँ पर पानी नहीं आता, जहाँ पर पानी का प्रेशर कम है। ठीक है, ये सेक्शन करके उसको चढ़ाता है ऊपर पानी। ठीक है, उसके बाद ये ऑटो बूस्ट है, अगर पानी नहीं आ रहा तो ये पंप ऑटोमेटिकली सेंस करके बंद कर देगा पंप। ठीक है, मोटर को बंद कर देगा, मोटर खुद ही बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेंस करके बंद कर देगा पानी नहीं आ रहा। और नेक्स्ट, ये टैंकी बनने पर भी पंप बंद हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही भरेगा, इस तरह ही भरेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। और ये नेक्स्ट, इसके साथ जो है ना हमारे पास ये स्टेनलेस स्टील का पंप है, ये फूड ग्रेड होता है, ये पानी दूध के लिए हो गया या केमिकल्स के लिए यूज किया जाता है। इसको मिक्स करने के लिए, मिक्स करने के लिए, शिफ्टिंग करने के लिए होता है। और ये क्या है? ये हमारे पास एयर कंप्रेसर है, जिस तरह वो पहले एयर कंप्रेसर पड़े हुए थे, ये जो हवा के लिए यूज होते हैं गाड़ियों में, हवा के लिए गाड़ियों में यूज होते हैं। ठीक है, पेंट के लिए यूज होते हैं, ये जो पेंट मशीन्स में यूज होते हैं जी। ये पता नहीं उसका बड़ा साइज है। अच्छा, ये भी एयर कंप्रेसर, ये भी एयर कंप्रेसर ही है। व्यूअर्स ये देखिए, इसकी कंपनी पेपर लिखी हुई है जी, पावर एक्स है, पावर एक्स। इसके बाद ये वाटर पंप है, ये यूज होता है, ये पोर्टेबल होता है, ये गंदे पानी के लिए यूज होता है, जो गटर्स वगैरह में पानी भर जाते हैं, ये जो वासा जैसे वासा जिस तरह यूज करते हैं जी। ठीक है, इसके साथ ये क्या है? ये इसके साथ मड पंप है बिजली के लिए, जो ये गटर में पंप डाल के जो है ना उससे पानी को बाहर निकाला जाता, ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ये जब जो गटर भर जाते हैं बाद जैसे बारिशों में जो वासा वाले। और ये नेक्स्ट, इसके बाद जो है ना हमारे पास ये चेंसा है। ठीक है, इसका काम जो होता है कटिंग होता है, दरख्त काटने हैं, टहनियाँ काटनी है। अच्छा, ये वो जो इलेक्ट्रिक जो हम जी इलेक्ट्रिक बाहर की कंट्रीज में यूज होते हैं। इसके बाद ये इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं। ठीक है, ये हाफ एचपी में ये डोंकी पंप के लिए यूज होती है, हाफ एचपी जी, हाफ एचपी और 1 HP डोंकी पंप के लिए यूज होती है। इसमें कितने एचपी की मोटर्स आती हैं आपके पास? जी 1 hp से लेकर 100 hp तक मौजूद है, 100 hp जी, 100 hp। और इनमें, इनमें जो होता है ये नॉर्मली जो वैक्यूम पंप होते हैं 1 hp और हाफ एचपी होते हैं। इसके बाद ये बोर वाले पंप आते हैं, ये भी गोल्डन के हैं, गोल्डन सिस्टम सबसे टॉप पे जा रहा है प्रोडक्ट्स के मामले में, गोल्डन पंप जी। ये सरकारी पानी के लिए, ठीक है, जेट पंप है। अच्छा, इनकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस जी, इसकी प्राइस जो है 17,100 रुपये है।
और इसकी गारंटी वगैरह होती है? गारंटी 3 मंथ की रिप्लेसमेंट होती है, गारंटी कार्ड सादर इशू होता है। ये बोर वाले पंप है, ये गोल्डन कंपनी, गोल्डन कंपनी के है। ये भी सिंगल एम्पेलर है, ये डबल एम्पेलर है, ये 3 एम्पेलर है, ठीक है। अच्छा एक चीज आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, अगर किसी शॉपकीपर को, रिटेल शॉपकीपर्स को अपने होलसेल में चाहिए हो तो वो मिल जाएंगे? रिटेल जो है होलसेल का काम कर रहे हैं, ठीक है, होलसेल भी कर रहे हैं और रिटेल में भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उसको आपके जो रेफरेंस आएंगे इंशाल्लाह उन्हें फुल डिस्काउंट देंगे। और ये इधर ये बताएं, ये हमारे व्यूअर्स को, ये भी वैक्यूम पंप्स हैं, ये अलग अलग कंपनीज के हैं, जैसा ये इंसाफ कंपनी का वैक्यूम पंप है, ये वाटरगार्ड कंपनी का वैक्यूम पंप है, ये गोडसर कंपनी का, ये भी वाटरगार्ड का है। ये अगर तो आप ब्रांड से हटके यानी अच्छी चीज लेना चाह रहे हैं तो वाटरगार्ड को रिकमेंड करता हूँ, ये टॉप क्वालिटी है वाटरगार्ड। हाँ जी वाटरगार्ड है जी। बाकी हमारे पास जो नीचे मोटरें आती हैं, ये हीको कंपनी की 2 HP की मोटर है, हीको की, ठीक है जी। ये शहजाद कंपनी की 2 HP की मोटर है, ये पेल कंपनी की 2 HP की मोटर है, ये डायमंड वालों की है, सुपर डायमंड की 5 HP की सिंगल फेस जी, ठीक है। 5 HP तक जो है ना हमारे पास जो है सिंगल फेस मोटर मौजूद होती है, 7.5 की भी मौजूद होती है। इसकी क्या प्राइस क्या है? 2 HP तक 3 फेस है। इसकी प्राइस जो है 32,000 रुपए है। ये कहाँ पे यूज होती है इतनी ये बड़ी मोटर? चक्कियों वगैरह के लिए होगी, ठीक है जी, और काफी खराब मशीन के लिए होगी, डिफरेंट कामों के लिए, मतलब बड़ी बड़ी मशीन में इसका यूज है, मशीन में यूज किया जाता है, नॉर्मली चक्की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो छोटी जो 3 HP होती है ना, वो जो है ना टोके के लिए भी इस्तेमाल होती है, ये जो ग्राइंडिंग मशीन के लिए भी होती है, चारा काटने वाले जो होते हैं, चारा काटने वाले के लिए भी होती है, और मार्बल पॉलिश के लिए भी होती है। ये सब इसी बड़ी मशीन की ही है? बिल्कुल ही बड़ी मशीन की है। और इसके बाद ये आ जाते हैं हमारे पास मोनोब्लॉक्स होते हैं, ये भी वाटर शिफ्टिंग के लिए होते हैं, ठीक है, प्रेशर को बूस्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर पंप होते हैं जी। और ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है, हमारे पास 0 पर जिसा ये 2 HP में मोटर है, ठीक है, ब्लैक कलर के डोमली 2 HP की है। इस तरह हमारे पास 1/2 HP से लेके जो नॉर्मली यहाँ यूज होती है 1 HP, 2 HP, 3 HP, 5 HP तक मौजूद होती है, ठीक है, जो लोकल मैन्युफैक्चरर। और इसके अलावा आपके पास क्या क्या चीजें हमारे व्यूअर्स? मोनोब्लॉक्स हैं, ठीक है जी। ये भी शिफ्टिंग के लिए, प्रेशर बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जी। इसके अलावा हमारे पास ये डोंकी पंप्स हैं, ठीक है, ये डोंकी पंप्स लगे हुए, ये न्यू लाइट कंपनी का, ये गोल्डन कंपनी का है, ठीक है, जिसमें शहजाद के पंप्स हैं जी। ये चीजें हैं, डोंकी पंप होते हैं। फिर ये हमारे पास स्लज पंप है। स्लज पंप? हाँ जी, स्लज होते हैं, ये भी गंदे पानी के लिए, जो घरों में कोठियों में ना बेसमेंट बनाते हैं ना जी, उस बेसमेंट में क्या होता है कि वो नीचे अंडरग्राउंड सीवरेज का टैंक बना लेते हैं, क्योंकि वो बाहर तो वेस्ट कर नहीं सकते उसको, बिल्कुल। फिर ये पंप जो होता है ना, उठा के उसको बाहर वेस्ट करता है, बाहर मेन गटर में डालते हैं। और इसके अलावा हमारे पास पेट्रोल इंजन होते हैं, जिसमें बाहर आपको वो दिखाया गया जी, पेट्रोल इंजन है, ठीक है, इसको हम करते हैं। ये हमारे पास पेट्रोल इंजन है, ठीक है, ये हमारे पास खाली पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है। ये हमारे पास 6.5 HP, 7 HP, 13 HP, 15 HP तक अवेलेबल है।